14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। दोपहर के 3:30 बज रहे थे जब आतंकियों ने वीर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें देश के 40 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। एक साल हो गया है इस दुखद घटना को, लेकिन आज भी दिलों में पुलवामा हमले का दर्द मौजूद है। वहीं आज इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए चंडीगढ़ स्थित दड़वा पुलिस चौकी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में करीब 115 लोगों ने रक्तदान किया। पुलवामा के जो शहादत का जो आज पहला वर्ष ही है जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दड़वा पुलिस पोस्ट पर जो ये रक्तदान शिविर किया गया है, ये बहुत ही शानदार एक पहल है। और ये पहल ना केवल पुलिस पोस्ट की तरफ से यहाँ के गाँव वालों के सहयोग से बहुत ही सफल आयोजन किया गया है, जिससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ये बहुत ही एक अच्छी श्रद्धांजलि और सद्भावना की निशानी है। और सभी लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है और अपनी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन आर्मी पंजाब के कप्तान VP यादव व अन्य जवान मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर चंडीगढ़ पुलिस की SSP नीलांबरी जगदाले व थाना प्रभारी जसबीर सिंह मौजूद रहे। नीलांबरी जगदाले ने रक्तदान कर रहे मुलाजिमों व अन्य लोगों को बैच लगाए और साथ ही दड़वा पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहित सिंह को इस सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। सब इंस्पेक्टर मोहित सिंह ने बताया कि यह दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन दड़वा पुलिस चौकी द्वारा किया गया और स्थानीय निवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो ये हमारी गाँव की टीम, इसमें सरपंच साहब और ये BJP के जितने भी सभी लीडर्स जो यहाँ मौजूद हैं, तो इनका मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। पूरी आइडिया आपको कहाँ से मिला, कितने आपको आइडिया है? देखो, हम लोगों का ये मानना था कि हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो सिंस आज एक साल हो रहा है तो वैसे तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब हम कैंप ऑर्गेनाइज किया, तो मैं तो यही कहूँगा कि डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। का जो रक्तदान शिविर है वो पुलवामा में हुए हमले के ऊपर है, जो हमारे पिछले साल 14 फरवरी को जो हमारे 44 RPF के जवान जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर है। ये पुलवामा के अटैक के ऊपर यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया है। इस शिविर में हमारे चौकी इंचार्ज और एरिया के SHO साहब जसवीर जी, उनका बहुत सहयोग है और पूरे गाँव वासियों का। यहाँ पर आए हुए बलजीत सिद्धू जी, जसवीर जी, JP राणा जी, बलवंत सिंह सैनी जी और यहाँ हमारे गांव के जो भी मौजूद उनका सबने यहाँ पे सेव किया। और यहाँ पे शहीदों को आज जो श्रद्धांजलि है, बहुत बड़ी उपलब्धि चंडीगढ़ पुलिस की और हमारे मोहित जी जो चौकी इंचार्ज हैं और SHO साहब और हमारे कैप्टन साहब यहाँ पे आए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस प्रशासन का जो रवैया अब लोगों के पब्लिक से तालमेल ऐसे बढ़ रहा है कि जो चौकी में पहली दफ़ा पिछले साल भी आपकी भी कैंप देखने को मिला है। मैं इंचार्ज साहब को और SHO साहब को अपनी तरफ से और अपने गाँव वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्य साथ साथ समाज के होने चाहिए। वैसे तो मैं बहुत बार रक्तदान दे चुका हूँ, बहुत से शिविरों में रक्तदान दे चुका हूँ। पिछले बार मैंने चौकी में रक्तदान शिविर लगातार कर दिया था, तो इस बार मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि हमारी जो दड़वा पुलिस पोस्ट है जिसने ऐसे दिन पर रक्तदान के शिविर का आयोजन किया, जिस दिन हमारे पुलवामा के जो हमारे CRPF के जवान थे वो शहीद हुए, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि पुलिस पोस्ट दड़वा ने सही समय चुना रक्तदान शिविर के लिए।